असम मिजोरम बॉर्डर पर दो गुटों में हिंसक झड़प के कारण माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार रात को असम मिजोरम बॉर्डर की स्थिति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है। इसके साथ ही सोनोवाल ने मिजोरम के सीएम जोराम थांगा से भी बात की है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा कर्मियों को असम के कछार जिले और मिजोरम के कोलासिब जिले के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इस बीच असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने सीमा विवाद को सुलझाने और बॉर्डर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की वकालत की है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट तेजी से प्रगति कर रहा है। इस प्रगति की गति बनाए रखने के लिए राज्यों के बीच शांति बनाए रखने और संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है। सोनोवाल ने कहा कि राज्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना जरूरी है। मिजोरम के सीएम ने भी असम के सीएम सोनोवाल को अंतरराज्य सीमा पर शांति बनाए रखने और सहयोग से काम करने का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के कछार जिले के लायलपुर इलाके में शनिवार शाम को असम और मिजोरम के दो समूहों के बीच झड़प के दौरान कई लोग घायल हो गए थे। असम मिजोरम बॉर्डर के साथ लैलापुर इलाके के पास उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी थी और वहीं दूसरी ओर असम के वन मंत्री ने रविवार को लायलपुर क्षेत्र का दौरा किया था और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।